हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है ग्लास के बारे में। ग्लास क्या होता है, ग्लास के कितने टाइप्स होते हैं और ग्लास कैसे बनता है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि एन, आप देख रहे हैं केमिकल विद्या। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं रोजाना एक वीडियो लाता हूं किसी केमिकल के बारे में या फिर किसी केमिकल के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है, जैसे आज है ग्लास के बारे में। तो ऐसे चीजों को जानने के लिए मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं रोजाना एक नया वीडियो अपलोड करने में थोड़ा मोटिवेट हो। तो चलिए आज ग्लास के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है ग्लास। ग्लास बेसिकली होता क्या है, ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो कि बनता है सैंड से, रेती से। जब हम रेत को 1700 डिग्री सेल्सियस और उसके ऊपर हीट करते हैं, जब वो मेल्ट हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल में, जिसे हम ग्लास बोलते हैं। उसको निकालने के दो तीन तरीके होते हैं, एक रोलिंग मेथड है, एक फ्लोटिंग मेथड है। फ्लोटिंग मेथड में होता है कि हम टीन का यूज़ करते हैं, मोल्टन टीन का यूज़ करते हैं। मोल्टन टीन पे वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल को बिछा देते हैं, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं एंड जब वो कूल हो जाता है तो उसे हम निकाल देते हैं, वही हमारा ग्लास होता है। एंड रोलिंग मेथड में क्या होता है, हम जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है हम उसे लेके आते हैं एक रोलिंग रोल पे एंड उसे कूल होने तक का वेट करते हैं, फिर उसे अलग अलग शेप में दे देते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर में दो तीन पार्ट में तोड़ देते हैं एंड उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बेसिकली ग्लास बनता है सैंड से, उसे हीट करते हैं एंड उसे अलग अलग तरीके से निकाल देते हैं। तो ये था ग्लास। एंड ग्लास के टाइप्स क्या होते हैं, ग्लास के टाइप्स बेसिकली उसके यूजेस के हिसाब से होता है। अगर हमें मिरर यूज करें तो उसका टाइप मिरर है, डिजाइन में डिजाइन टाइप का ग्लास। ग्लास बनता है सैंड से, उसकी यूज के हिसाब से उसका अलग अलग टाइप्स होता है। मैंने बताया मिरर, डिजाइन, एलिनेटेड, कोटेड, कोटिंग वाला भी ग्लास होता है, किसी चीज में कोटेड होता है, टफ एंड, हमारा जो गोरिल्ला ग्लास होता है टफ एंड टाइप में आता है, टच स्क्रीन का भी ग्लास आता है जो सेंसर जैसा काम कर सके, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके का बना जाता है। तो ग्लास का टाइप्स उसके यूजेस पर डिपेंड करता है। जो ग्लास बनता है सैंड में, और भी केमिकल्स ऐड किया जाता है, उसका नाम है लाइम एंड सोडा। लाइम मतलब होता है सोडियम ऑक्साइड एंड सोडा का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इन दोनों का भी यूज किया जाता है ग्लास को बनाते टाइम, उसके फीचर को, ग्लास को अलग अलग प्रॉपर्टीज देने के लिए। उसके साथ साथ हम यूज करते हैं सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। और भी केमिकल्स यूज कर सकते हैं अदर देन लाइम एंड सोडा, एल्यूमिना, लीड ऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट एंड जिंक ऑक्साइड का भी अलग अलग ग्लास बनता है। तो ग्लास बनाने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, अलग अलग केमिकल्स यूज कर सकते हैं, उनको जहां पर यूज करना है उस हिसाब से, उसके कलर के हिसाब से अलग अलग कलर के लिए अलग अलग केमिकल्स यूज किए जाते हैं। बस बेसिकली ग्लास बनता है सैंड से, रेती से बनता है, उसमें अलग अलग फीचर ऐड करने के लिए अलग अलग केमिकल्स यूज किया जाता है। एंड ग्लास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका 100% रिसाइकल कर सकते हैं। ग्लास टूट गया, कंपनी में डाल दो, वापस मेल्ट करेंगे, वापस नया ग्लास बन जाएगा। तो ग्लास एक ऐसा है जिसका 100% रिसाइकल होता है। तो ये था ऑल अबाउट ग्लास, जो सैंड से बनता है, अलग अलग फीचर के अलग अलग केमिकल्स यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना इनफ है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच।